हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया है, सिर्फ आईब्रोज़ को फिल किया है। मैंने कॉन्टैक्ट लेंस भी नहीं लगाया आज। तो आज मैं एक लिपस्टिक का रिव्यू करने वाली हूँ, जो कि है आइस क्यूब लिपस्टिक, लिक्विड लिपस्टिक। ये एक कोरियन ब्रांड है और इसकी मुझे पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने सोचा इसका रिव्यू किया जाए। तो रिव्यू जो मैं जिसका करने वाली हूँ वो कुछ इस टाइप की है। आज तो ये जिसकी बात मैं कर रही हूँ वो कुछ इस तरीके की ट्यूब में आती है। ये जो ट्यूब आप देख सकते हो, ये ट्यूब ही मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगी थी, इसलिए मैंने सोचा इसका रिव्यू किया जाए। और जैसे इसका फॉर्मूला है वो थोड़ा मूसी काइंड का फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है कि बिल्कुल थिक वाला फॉर्मूला है। मूस टाइप से ये चलेगा और थोड़ी देर में ये बिल्कुल सेट हो जाता है। तो इस टाइप का फॉर्मूला है, ये कोरियन ब्रांड लेकिन बना मतलब उसकी कॉपी की गई है, मेड इन इंडिया ही है ये। और इसमें एक एप्लीकेटर मिलता है कुछ इस टाइप का, सिंपल एप्लीकेटर जैसे आता है बिल्कुल वैसा ही है। और बाकी एप्लीकेशन मैं बता दूँ, आप देख सकते हो एप्लीकेशन कुछ इस टाइप की। आप इसको एज अ ब्लशर भी यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा ही हो गया, आप देख सकते हो चिकटिंट की तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसकी फ्रेगरेंस थोड़ी तेज़ है, जैसे बबल गम होता है ना, बिल्कुल वैसी फ्रेगरेंस है इसकी। शायद बहुत लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम करे बट, और हाँ प्राइस में बता दूँ, प्राइस है इसका 470 में मुझे ये 6 शेड मिले हैं। और सारे ना मल्टी कलर उसमें आता है, ज़रूरी नहीं है कि कुछ 1, 2, 3 के टाइप से आता है, कुछ भी डाल देते हैं। तो इसमें ना कोई भी ऐसा मेरे को ना पिंक शेड नहीं मिला, सब डार्क कलर के शेड मिले हैं। मुझे एक पिंक कलर भी चाहिए था, वो नहीं था जो उसमें शो हुआ था है। इसमें ना सब ज़्यादातर डार्क शेड मिले थे। तो 5 लिपस्टिक मिली है मुझे इसमें, 5 नहीं है 6 है, 6 लिपस्टिक मुझे इसमें मिली है। तो इन सबका स्पेशल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे तो ये है इसकी पैकेजिंग, आप देख सकते हो ट्यूब बिल्कुल ऐसी है जैसे आइस के अंदर कलर डाले हुए हैं। और इसमें मुझे टोटल 6 शेड मिलते हैं, इस टाइप की ट्यूब आपको मिलेगी। और इसके अंदर आपको एक एप्लीकेटर मिलता है। तो 2-3 शेड तो अच्छे हैं, बाकी के डार्क हैं, उन्होंने अपने हिसाब से ही भेजे हैं ये सारे शेड। ये है मोव कलर है, बाकी ये रस्टी सा रेड है, ऑरेंजिश है। और यह है इसका एप्लीकेटर, तो एप्लीकेटर छोटा सा एप्लीकेटर दिया गया है, तो कुछ इस टाइप का एप्लीकेटर होगा ये। सारा लिपस्टिक है नंबर 05, ये न्यूड ब्राउन कलर का शेड है। डस्की स्किन पे भी बहुत अच्छा जाता है और फेयर स्किन पे भी ये अच्छा जाता है। तो दोनों ही स्किन पे ये बहुत अच्छा जाएगा। इसका जो फॉर्मूला है वो मूसी टाइप का है, ये ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लेती है, 1 से 2 मिनट ये लेती है ड्राई होने में। उसके बाद ये कम्प्लीटली मैट हो जाएगी और बिल्कुल मतलब इजीली रिमूव नहीं होती है। तो कॉलेज गर्ल्स की लड़कियों के लिए ये बहुत अच्छी डील है, मतलब 500 में आपको 6 पीसेस मिल जाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी डील है। कलर सारे ऐसे नहीं हैं, बिल्कुल वाइब्रेंट वाले हैं। जो नेक्स्ट शेड है वो है नंबर 08, ये शेड भी डस्की स्किन पर बहुत अच्छा जाएगा। आप देख सकते हो फेयर स्किन पर थोड़ा डार्कर है। टीनेजर गर्ल्स की लड़कियों के लिए ये वाली लिपस्टिक अच्छी रहेगी। नेक्स्ट शेड है ये थोड़ा सा डार्क है, नंबर 08, ये थोड़ा सा रेडिश और ऑरेंजिश का कॉम्बिनेशन है, तो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। वैसे तो आप अप्लाई कर सकते हो, इतना भी तेज़ वाला कलर नहीं है, ये भी अच्छा जाता है और ड्राई होने में थोड़ा टाइम लेती है ये लिपस्टिक। इसके बाद है नंबर 04, ये काफ़ी प्यारा शेड है, ये मुझे अच्छा लगा इसमें। ये मतलब बेरी रेड कलर है, प्रॉपर रेड भी नहीं है, ना ज़्यादा डार्क है ये और ना ही बिल्कुल हल्का है, तो ये मीडियम कलर है, तो अच्छा जा रहा है। फेस पे भी अच्छा लगेगा, डस्की पे भी अच्छा लगेगा, उनके ऊपर भी इस टाइप के कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। आप देख सकते हो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र प्रूफ है, बिल्कुल हटेगा नहीं। इसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ नंबर 12, ये थोड़ा और डार्क है,
तो जिन लोगों को इस टाइप के कलर लगते हैं अच्छे, वो लोग भी इस टाइप का कलर मतलब वेयर कर सकते हैं। ये वाला कलर थोड़ा डार्क मैरूनिश में चला जाता है, तो ये भी डस्की पे बहुत अच्छा जाएगा, डस्की कलर वालों पे बहुत अच्छा दिखेगा। इसके बाद नेक्स्ट कलर है जो कि है नंबर 06। ये है तो मोव कलर, लेकिन अप्लाई होने में थोड़ा सा रोज़ी सा कलर लगता है, तो क्यों, और मुझे ये कलर अच्छा लगा। जनरली मैं मोव कलर लगाती नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे ये शेड बहुत अच्छा लगा। ये रोज़ पेटल वाला जो शेड होता है ना प्रॉपर, ये बिल्कुल वैसा ही है, तो ये वाला शेड मेरा फेवरेट शेड है और मुझे बहुत अच्छा लगा। डस्की में भी ये बहुत अच्छा जाएगा।